तो दोस्तों आपके अपने चैनल सिविल इंजीनियरिंग में स्वागत है। दोस्तों दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि ग्रेड ऑफ कंक्रीट कितना टाइप का होता है, कितना ग्रेड होता है और उसका मिक्स रेशियो कितना होता है और कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ कितना होता है। तो पूरा डिटेल्स देखेंगे वीडियो में दोस्तों, पूरा डिटेल्स जानेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर आप पहली बार आए हैं चैनल में तो चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो का टॉपिक, जहाँ देख रहे हैं दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड मिक्स रेशियो। तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट और मिक्स रेशियो इस वीडियो में देखेंगे। जहाँ देख रहे हैं दोस्तों ग्रेड ऑफ कंक्रीट, तो ग्रेड ऑफ कंक्रीट क्या होता है दोस्तों, जनरली जो ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो उसको जो है डिवाइड किया गया है M5, 7.5, 10, 15, 20, 25 इस तरह का किया गया है। और मिक्स रेशियो जो है एम ग्रेड के अनुसार जो है मिक्स रेशियो का भी डिवाइड किया गया है, उसी के अनुसार जो है करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ भी उसको डिवाइड किया गया है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख रहे हैं दोस्तों पहला नंबर M25 मतलब दोस्तों मिक्स फाइव मीन्स 1 सीमेंट 5 सैंड और 10 हो गया एग्रीगेट, तो ये हो गया M5। इसका जो कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों, जहाँ देख रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इन 28 डेज, ये कैरेक्टरिस्टिक जो है दोस्तों 28 डेज के बाद मेजर किया जा रहा है जाएगा, यानी 28 डेज जो है इसको पहले इसको सख्त होने के लिए पानी में रखा जाएगा, उसके बाद इसको मेजर किया जाएगा। तो 5 MPa मतलब मिली पास्कल जो है इसका जो है दोस्तों न्यूटन पर एमएम, इसका 5 न्यूटन पर mm² इसका जो होगा आपका स्ट्रेंथ होगा, एक mm² पे हो गया आपका 5 न्यूटन। सिमिलर देखते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं M7.5 मतलब मिक्स 7.5 हो गया, उसका मिक्स रेशियो हो गया दोस्तों 1:4:8, 1 हो गया सीमेंट, सैंड 4 हो गया, 8 हो गया आपका एग्रीगेट। तो इसका भी आपका दोस्तों इसका भी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा आपका 7.5, यानी 7.5 न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ होगा। उसके बाद M10 का रेशियो है दोस्तों 1:3:6 सीमेंट सैंड और एग्रीगेट, इसका होगा 10, यानी 10 न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ होगा 28 डेज के बाद। M15 1:4:1 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसका 15 न्यूटन पर mm² होगा दोस्तों, जो होगा 28 दिन के बाद। सिमिलरली M20 1:5:3 सीमेंट सैंड एग्रीगेट, इसका जो होगा 20 न्यूटन पर mm² होगा 28 डेज के बाद स्ट्रेंथ। और M25 जो है हम लोग को स्टैंडर्ड कंक्रीट ग्रेड कहलाता है दोस्तों, स्टैंडर्ड कंक्रीट कहलाता है जो है स्टैंडर्ड में यूज होता है। चल इसमें देख लेंगे कि M25 का रेशियो 1:1:2 हो गया एग्रीगेट, इसका जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा दोस्तों 25 न्यूटन पर mm², यहाँ तक तो क्लियर है दोस्तों। उसके बाद M30 में जो है डिजाइन मिक्स रेशियो का यूज होता है दोस्तों। डिजाइन मिक्स रेशियो मतलब किसी भी डिजाइन को जो है उसके डिजाइन के अनुसार उसमें मिक्स रेशियो बनाया जाता है। जनरली M30 का होता है दोस्तों 1:0.75 और 1.5 इसका रेशियो होता है जनरली, लेकिन इसको डिजाइन मिक्स में लिया गया है मतलब डिजाइन के अनुसार उसमें मिक्स किया जाएगा, कम ज़्यादा, उससे कम, उससे ज़्यादा। तो इसका भी जो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होगा दोस्तों 30 डेज के बाद 30 न्यूटन पर mm² होगा। सिमिलर M35 का आपका वो भी डिजाइन मिक्स से उसका 35 न्यूटन पर mm², 30 M40 उसका भी, ये भी डिजाइन मिक्स रेशियो में आ गया दोस्तों, इसका भी 40 न्यूटन पर mm² आएगा 28 दिन के बाद। उसके बाद M45 ये भी डिजाइन मिक्स रेशियो और इसका भी 45 न्यूटन पर mm² 28 दिन के बाद। M50 सिमिलर दोस्तों डिजाइन मिक्स रेशियो और 38 डेज के बाद 50 न्यूटन पर mm² आएगा। वही 55 दोस्तों ये भी डिजाइन मिक्स रेशियो और 55 न्यूटन पर mm² 28 दिन के बाद आएगा दोस्तों। उसके बाद 50 M60 to M80 ये हो गया आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट दोस्तों, ये हो गया आपका हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट, इसको जो है हम लोग हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट कहेंगे। जहाँ बहुत ही ज़्यादा हाई स्ट्रेंथ में किया जाता है उसी में जो है इसको जो है यूज किया जाता है दोस्तों, इसको इसलिए हम लोग कहेंगे हाई स्ट्रेंथ रेशियो। और आप अगर इसको देखना चाहते हो तो IS
56 2000 कोड नंबर और पेज नंबर हो गया आपका दोस्तों, पेज नंबर आपका 16 पे आप देख सकते हैं, पेज नंबर 16 पे इसको आप रेफर कर सकते हैं, तो इसको जो है देख सकते हैं। यही टेबल जो है IS-456-2000 कोड पे पेज नंबर 16 पे दिया हुआ है दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों स्टैंडर्ड क्या होता है दोस्तों। EM-60 सिमिलर वो मिक्स डिजाइन में आता है इसका, 60 न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसके बाद EM-65 भी सिमिलर दोस्तों, EM-70 भी सिमिलर, EM-75 भी सिमिलर, और EM-80 भी आपका डिजाइन मिक्स रेशियो में आता है 80 न्यूटन पर mm स्क्वायर 28 दिन के बाद। तो इस तरीके से जो है आप दोस्तों इसको देख सकते हैं। अगर आप स्क्रीन शॉट लेना चाहते हैं तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं, स्क्रीन शॉट ले सकते हैं यहाँ से। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्तों। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब ले लीजिए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आपका दिन शुभ हो।